अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शिवामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से नस्बत दुनिया की हर नस्बत और हवाले से मुतबर है। आपके अजवाज मुतहरात और अहले बैत की इज़्ज़त और मोहब्बत हम सब मुसलमानों पर वाजिब है। जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, उसी तरह से अहले बैत के अतहार के मर्तबे और उनके मकाम को जानना और मानना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है तारुफ़ फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिजवाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रिजवाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवाना बाजी, मैं गुजारिश करूँगी कि हमें बताइए कि अहले बैत का क्या मतलब है। बहुत शुक्रिया शमामा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه। शमामा, आज का हमारा मौजू गुफ्तगु जो है जी वो इंतहाई खूबसूरत है और मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम इस मौजू पर आज बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन नाज़रीन, आप सब जो इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं, आपकी भी खुशकिस्मती है, हम सब की खुशकिस्मती है कि आज हम उन पाकीज़ा हस्तियों का जिक्र करने के लिए शमामा इकट्ठे हुए हैं कि जिनके साथ मोहब्बत और मुअद्दत का ताल्लुक जो है हमारे ईमान का हिस्सा है। सही। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हमारे लिए लाजिम करार दिया। जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि अहले बैत कौन हैं या अहल कौन हैं, सही, तो उसके हवाला से हम कुरान और हदीस से अगर रहनुमाई लेना चाहें कि अहल होते कौन हैं, तो अहल का मानी बेसिकली ख़ानदान वाले हैं या आपके साथ रहने वाले लोग हैं। सही। जब हम कुरान से इस बारे में रहनुमाई हासिल करते हैं तो शमामा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में ज़िक्र आता है, सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इध रा नारन फ़क़ाल अली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी तो अपने अहले खाना से कहा कि रुको, मैंने आग देखी है। अब यहाँ पर अहले खाना से मुराद जो है हज़रत मूसा के अहले खाना अलैहिस्सलाम कौन थे, वो उनकी ज़ोजा मोहतरमा थी। बेशक। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अजवाज जो हैं वो अहले बैत में अहल में शामिल होती हैं। लेकिन जब हम लफ्ज़ अहले बैत ज़िक्र करते हैं जी, तो इसे एकदम से हमारे जहनों में जो मुराद आती है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। सही। तो अहल के अहले बैत के हवाले से हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो घर वाले हैं हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनके लिए भी अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ोजा मोहतरमा के हवाला से भी लफ्ज़ अहल इस्तेमाल हुआ। जैसे हम देखते हैं के फरमाया कि कुरान पाक सूरह अंबिया में है कि तो हमने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और उन्हें जो तकलीफ़ पहुंच रही थी सो हमने इसे दूर कर दिया और हमने इन्हें इनके अहल अता फरमाए और इनके साथ इतने ही और दिए, हमारी तरफ से रहमत है। तो यहाँ पर यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाला से ज़िक्र हो रहा है। जहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल बैत के हवाला से ज़िक्र है तो कुरान पाक में शमामा वाज़ेह तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को अहल बैत में शामिल किया गया है कि आपकी अजवाज जो हैं वो आपकी अहले बैत हैं। और उसके हवाले से आयात मुबारका भी हैं जिसका हम इंशाल्लाह फ़ज़ाइल में जब आएंगे तो इन आयात का जिक्र करेंगे। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शमामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ख़ास तौर पे हज़रत फ़ातिमा तुज़ाहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का
बार बार जिक्र आता है। शायद इसकी ये भी वजह है कि सिर्फ हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आता है कि आपकी दूसरी जो तीन दुख्तरान थीं उनका पहले ही वसाल हो चुका था, तो इस वजह से हम ये कयास करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत वाज़ह तौर पर जिक्र आता है कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी औलाद को और आपके ज़ौज यानी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अहले बैत करार दिया। तो अहले बैत की तारीफ़ के हवाले से मुझे यकीन है नाज़रीन के हम सबको मालूम चल गया होगा कि अहले बैत से क्या मुराद है या अहल से क्या मुराद है। इसी तरह से जैसे आजकल हमारा जो फैमिली सिस्टम है इसमें भी मियाँ बीवी एक दूसरे के अहल हैं और इसी तरह से औलाद जो है शमामा औलाद भी अहल होती है। जैसे हमारे शोहर और हमारी औलाद हमारे अहल हैं, इसी तरह से हमारे शोहर के लिए हम और हमारी औलाद जो हैं उनके अहल हैं। सही सही सही। अच्छा अब यहाँ पे मेरा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत एग्जैक्टली मतलब आपने जैसे बताया भी है कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी और फिर उनकी बेटी थी, तो हम एग्जैक्ट कहते किनको हैं, क्या मुराद है? यानी आपके अजवाज जी और हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, ये जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल होते हैं। सही। अच्छा रिजवाना बाजी हमें ये भी बताइए कि अहले बैत से मोहब्बत कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि आज हम जिस खूबसूरत मौजू को लेकर आए हैं हमारे ज़ाहिर है कि हमारे नॉलेज में इजाफ़ा होगा, और जिस तरह का भी मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया है कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान का हिस्सा है हमारे कि उनसे मोहब्बत करनी है, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल आखिरी नबी बना के भेजा, अल्लाह ताला के महबूब तरीन नबी थे और उनकी ज़िंदगी से हमने क्या कुछ सीखा, और ज़रूरी है कि हम उनके अहले बैत को भी उसी तरह से जानें ताकि एक जो ज़ाहिर है कि एक पूरे ख़ानदान जो उनके साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, एक ईमान को हमारे दीन मज़हब को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का रोल प्ले किया है, आज वो हम सीख भी रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। जी रिजवाना बाजी, आप हमें बता रही थी कि अहले बैत से मोहब्बत कितना ज़रूरी है। जी शमामा, अहले बैत से मोहब्बत और मोहद्दत जो है जी वो ईमान का हिस्सा है। सही। ये हमें एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है और ना होनी चाहिए जी कि आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर कितना बड़ा एहसान है। सही। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के वसीले और तवस्सुत से हमें अल्लाह ताला की तौहीद जो है उसका तोहफा मिला, हमें ईमान का तोहफा मिला। एक मुसलमान की ज़िंदगी में शमामा ईमान से बड़ी कोई भी और दौलत नहीं हो सकती है। बेशक। उसके पास अगर ईमान नहीं है और कायनात की हर तरह की दौलत है तो वो बेकार है और फजूल है, लेकिन उसके पास दुनिया की दौलतों की कमी है, गुर्बत और अफलास है, लेकिन ईमान का जो दिया है वो दिल को रोशन किए हुए है, तो उस बंदा मोमिन से ज्यादा दौलतमंद और कोई नहीं हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमामा इस पैगाम को कमा हकोहु हम तक पहुंचाने के लिए जिस कदर मेहनत, जिस कदर मशक्कत की वो हम में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बेशक बेशक। हम सब उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तदाई दिन,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़क बन के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का ऐलान कर दिया तो उस वक्त लोगों के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवैये रहे और आपने किस किस तरह की अज़ियतें और तकलीफ जो हैं शमामा देखी वो हम सबसे पोशीदा नहीं है। अब उस सब के बारे में जब बात होती है और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम से एक मुसलमान उम्मत से जब बात होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तवक्को रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदले में हमसे क्या चाहते हैं, तो कुरान पाक उसके बारे में हमारी बहुत खूबसूरती से रहनुमाई करता है। सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात और इन जिदोजहद और कोशिशों के हवाले से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि या कौमी ला असअलुकुम अलैहि मालन इन अजरी इल्ला अलल्लाहि, यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से फरमा दो कि ऐ कौम, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे जो मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है ना उस पे मैं तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता। सही। मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता हूँ, मेरी उजरत जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है, मुझे इसका अजर देने वाला, मुझे इसका सवाब देने वाला, इसका बदला देने वाला जो है अल्लाह ताला की जात है। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुमसे इसके लिए कोई बदला, कोई अजर कुछ नहीं तलब करता। इसी तरह से एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वा या कौमी ला असअलुकुम अलैहि अजन इन अजरिया इल्ला अल्लज़ी फतरानी, कि ऐ मेरी कौम, मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया मैं उस पर कोई बदला तुमसे नहीं मांगता, मेरा बदला जो है वो उस जात के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। और फिर आगे चलकर जो अहले बैत के हवाले से और जो हमारे लिए है जिससे हमारी अक्ल और खिर्द के दरवाजे खुलते हैं शमामा, और जिसका जिक्र करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए कि मैंने जो कुछ किया यानी दीन की तबलीग की तुम्हें राह हदायत पर लेकर आए उस सब के बदले में ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे किसी तरह का बदला नहीं मांगता इल्ला मगर। अब देखिए पहली जो दो आयतें थी उसमें वाज़े आ रहा था कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मेरा बदला जो है वो अल्लाह की जात के लिए जिस परवरदिगार ने मुझे पैदा किया है। लेकिन इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब आप अपने इन उम्मतियों से फरमा दीजिए, आप इनको बताइए कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता हूँ इल्ला मगर, मगर एक चीज चाहता हूँ और वो एक चीज क्या है, मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे कराबत दारों के साथ मवद्दत रखो। अब सवाल ये पैदा होता है शमामा कि ये मुअद्दत क्या है। सही, हम लफ्ज मोहब्बत तो सुनते रहते हैं और मोहब्बत को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि मोहब्बत एक कल्बी ताल्लुक का नाम है कि जब आप किसी को अपने दिल में जगह देते हैं और उससे प्यार करते हैं, उसे मोहब्बत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं तो उसको मोहब्बत का ताल्लुक कहते हैं। लेकिन मोहब्बत के ताल्लुक में शमामा देखिए माँ औलाद से मोहब्बत करती है लेकिन औलाद तालीम के लिए कहीं चली जाती है, औलाद का अपना घर हो जाता है, माँ की मोहब्बत में कमी नहीं है, शायद उसमें इजाफा ही हो जाता जी, हो जी। लेकिन वो सरवाइव करती है, वो यानी जुदाई जो है उसको वो सरवाइव करती है कर लेती। लेकिन मुअद्दत जो है जी, मुअद्दत का मतलब ये है कि ये मोहब्बत की एक ऐसी एक्सट्रीम किस्म है, मोहब्बत का एक ऐसी नेसेसिटी वाली एक आप कह लीजिए मकाम है,
कि जिसमें आपका जिससे आपकी मुअद्दत है उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जैसे मछली है, सही, मछली पानी से मोहब्बत ही नहीं करती सिर्फ, बल्कि मछली और पानी की मुअद्दत है। बेशक आप मछली को पानी से निकाल दीजिए, क्या मछली जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। इंसान की सांस से, दिल के धड़कने से आप कह लीजिए कि मुअद्दत है कि आप सांस ना लें, आपका दिल नहीं धड़के, आप जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन को अहले बैत से जिस ताल्लुक की तरफ इनकरेज किया है शमामा, वो सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक नहीं है, सही, वो मुअद्दत का ताल्लुक है कि अहले बैत से तुम मोहब्बत की उस इंतहा पर चले जाओ कि तुम्हारा अहले बैत की मोहब्बत और अकीदत और एहतराम के बगैर तुम्हारा जिंदा रहना दोबर हो। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जीना है तो मोहब्बत अहले बैत में जियो, वरना मर जाना बेहतर है। सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बत के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। और इसका हमें शमामा इस तरह से भी पता चलेगा, बड़ी खूबसूरत रवायात हैं, अहदीस हैं, ये जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिनन, कि जो कोई अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। और फिर जो है कि मन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदन, कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि हम लोगों की हर दुआ के लिए उठने वाले हाथ के मौके पर हमारी दुआ ये होती है कि या पाक इलाही हमें खात्मा बिल ईमान अता फरमाना। बेशक बेशक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर ईमान पे मरना चाहते हो तो मेरे अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ लो। शहादत, मरना तो हर इंसान ने है शमामा, सही, लेकिन क्या ही वो मौत हो कि जो शहादत की मौत हो। क्या बात, बेशक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। और फिर फरमाया कि वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद जाअलल्लाहु लहु कबरहु मज़ारन लिलमलाइकाति रहमा, कि जो कोई मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मर गया, इस हालत में मरा कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत का समंदर मौजज़न था, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को नूरानी फरिश्तों का जो है हाजरी की जगह बना देगा। यानी क्या मकाम होगा उस शख्स का शमामा कि जिसकी कब्र की ज़ियारत के लिए फरिश्ते हाजिर हो। क्या बात, सुभान अल्लाह। हर मोमिन, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है ऐसी कि ऐसी मौत हो और आखिरत जो है उसकी इस तरह से बने। क्या बात है। जी बिल्कुल। और फिर फरमाया कि वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद बशरहु मलकल मौती बिल जन्ना। जी सुभान अल्लाह। ये इतनी बड़ी बात है। मैंने शमामा इस बारे में दो जगह पर पढ़ा है। एक बार मैंने पढ़ा कि जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, उस शख्स की मौत उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि वो शख्स जन्नत में अपना घर ना देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा मैंने यह पढ़ा है कि जो इंसान जो है अहले बैत की मोहब्बत इस तरह से दिल में रखे कि जिंदा भी उस पर रहे और मौत का जब वक्त उस पर आए तो उसकी दिल में अहले बैत की मोहब्बत और मुअद्दत हो, तो जो मौत का फरिश्ता है वो आपकी जान लेने से पहले आपको ये खुशखबरी देता है कि जन्नत में तुम्हारा घर है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात पे तो हर मुसलमान कहता है काश हमारे साथ ऐसा हो। और शमामा हम सब जानते हैं, हमारे नाज़रीन जानते हैं और सोच रहे होंगे कि एक मोमिन जो है जी उसको मौत का डर नहीं होता। सही है। उसको डर इस बात का होता है
कि अपने इन आमाल के साथ और अपनी इन हालतों के साथ मैं खुदा को कैसे फेस करूंगा। बिल्कुल, मैं आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करूंगा। उसको इस बात का डर होता है कि मैंने गफलत में ज़िंदगी गुजार दी। ये कब्र की अंधेरी जो एक कोठरी मुझे मिलने वाली है, इसमें मेरा गुजारा कैसे होगा। यहाँ पर तो एक मिनट के लिए लाइट बंद कर दें पूरे घर की तो हमारा दिल घबराने लग जाता है, एंजाइटी अटैक होने लग जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो कब्र में कैसा वक्त गुजरेगा। तो जब उसको ये पता चल जाए जी, मरने से पहले निजा की तकलीफ खुद बहुत जबरदस्त तकलीफ है। सही सही, मैंने पढ़ा कि जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जनाजा लेकर जाओ तो उसको बहुत आहिस्तगी से चलो, जनाजे को गुसल दो तो बहुत नरमी से दो, इस वजह से कि जो आपके सामने डेड बॉडी होती है वो उसने मौत की सख्ती से गुजरा होता है और उसका जिस्म का रुआं रुआं तकलीफ में होता है, उसको दर्द होता है, तकलीफ होता है, उसको आहिस्तगी से नरमी से आप जो है हाथ लगाए, नरमी से लेकर चलें। तो निजा की तकलीफ एक अपनी जगह पे, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शमामा, जब निजा का वक्त तारी हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे मुबारक पर पसीने के कतरे थे जी। तो हज़रत फातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जी, अल्लाह ताला हमें आपकी कनीज़ों में शामिल करे, आमीन आमीन, वो ये देखकर बहुत दुखी हुई और कहा कि बाबा जान आप बहुत तकलीफ में हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी आज के बाद मेरे पर कोई तकलीफ नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि वो इंसान कि जिस पे निजा की हालत तारी हो रही हो जी, और मलकुल मौत आए सही और आके आपको चुपके से बता दें कि तुम जन्नती हो, जन्नत में तुम्हारा घर तैयार है, सुभानअल्लाह, तो ये जन्नत हम आसानी और ये मकाम महशर के बाद का जिक्र नहीं कर रहे। शमामा जो जन्नती है ना तो उसकी कब्र अंधेरी होगी जी, ना उसकी कब्र तंग होगी, ना उसकी कब्र उसको भेंचेगी, ना उसकी कब्र में अजाब होगा, बल्कि उसकी कब्र कैसी होगी हम सब जानते हैं कि जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और उसको कहा जाएगा कि रेस्ट करो। तो जिस इंसान को ये पता चल जाए, सही बात है, सही, तो उसको मौत का क्या गम रह गया फिर। बेशक, तो ये मोहब्बत अहले बैत का अज्र और सिला है शमामा। बेशक, और रज़ाना बाजी सही पूछे तो नाज़रीन भी बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे मेरी इस बात पे कि हमारी ज़िंदगी ही इस बात पे वक्फ़ होती है कि हम अल्लाह ताला को किसी तरह राज़ी कर लें। और जो जिस मरतबा और जिस मकाम की आप बात कर रही हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी कोशिशें इसी बात की हैं कि हमें वो मकाम मिल जाए, यही एक सफ़र है जो ज़िंदगी का सफ़र है जो हम गुजारने के लिए आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और शमामा आज का जो पुरफितन दौर है जी, जहाँ पर अल्लाह ताला हम सबको हदायत पर रखे, मुसलमानों में ही कई कई फिरके बन गए हुए हैं, कोई कहता है कि ये करो, कोई कहता है वो करो, आप जो कर रहे होते हैं लोग आके कंफ्यूज करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है वो दुरुस्त है, तो उस वक्त इंसान किस तरह से कंफ्यूजन का शिकार होने लगता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कितनी खूबसूरत कसौटी अता फरमा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया के वमन माता अला हुबी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अला सुन्नती वल जमाअ, यानी के जिस जिन लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है वो समझ लें कि वही जमात वाले लोग हैं, वही सुन्ना वाले लोग हैं। और जाहिरी बात है जो अहलुल सुन्ना है, जो अहलुल जमाआ हैं, वही दुरुस्त रास्ते वाले लोग हैं। तो उसकी तरफ भी इशारा किया कि उसकी भी कसौटी जो है वो यही है कि उनके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मुअद्दत होती है। सो हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोग
जो बुग़्ज़े अहले बैत रखें, जो अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र है, उनके एहतराम का जिक्र आए, वो आएं बाएं शाएं करने लगें, वो एक्सक्यूज़ेस बनाने लगें, वो जो है कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे। जी बिल्कुल, उतनी अहमियत ना दें जिसका वो हक है, जितना हमारा लाजिम है, जितना हमारा फ़र्ज़ है, वो अगर ना दें तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती अपने साथ ज़ुल्म है। ये समझ लीजिए कि वो गलत रास्ते पर लोग हैं। और इसी तरफ यही हदीस पाक जो बहुत तवील भी है वो इशारा करती है, वो कहते हैं कि वहुरिमातिल जन्नतु अला मन ज़ालमा अहला बैती, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया जी खुदा ताला ने उन पर जन्नत हराम कर दी। अब यहाँ पर शमामा हमें यह भी पता चलता है कि बाज़ लोग बड़ी अजीबोगरीब सी तावीलें लेकर आते हैं कि जी अहले बैत को जो करबला के मकाम पर शहीद किया गया वो कहते हैं कि यजीद ने तो उसको हुक्म नहीं दिया था, यजीद को तो उसका बाद में पता चला था। तो लेकिन वो सब जो कुछ हो रहा था करबला के मकाम तक जो नौबत पहुंची थी वो तो यजीद के हुक्म से ही पहुंची थी ना। जबरदस्ती बैत का जो मामला है वो तो यजीद के हुक्म पर ही पहुंचा था ना। तो इसी वजह से हम ये समझते हैं इसी हदीस पाक की रूह से कि वो लोग जो अहले बैत पर जुल्म करते, और अहले बैत पर इससे बड़ा जुल्म क्या हुआ शमामा के जो करबला के मौका पर हुआ। और फिर ये कि उस जुल्म को उधर ही कोई फुल स्टॉप नहीं लग गया बल्कि उसके बाद भी जो जुल्म सितम अहले बैत पर होते रहे जी वो तारीख के किसी भी तालिब इल्म से ढके छुपे नहीं है। बेशक, बेशक। तो हमें ये पता चलता है कि जो लोग अहले बैत पर जुल्म करते हैं अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत जो है हराम करार दे दी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है शमामा के बाज़ औकात लोग ये समझते हैं कि हम बहुत नमाजी हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हम उम्रे पे जा रहे हैं, हम हज कर रहे हैं तो जन्नत तो हमारी ही है। उन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि ईमान का ये हिस्सा है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए। और जो लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते उनके साथ ज्यादती या जुल्म के मुर्तकिब होते हैं या उनकी इज्जत और एहतराम का ख्याल नहीं करते हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी नमाज और उनके रोज़े भी आखिरत में उनको बचा नहीं सकेंगे। ये तो रिजान बाजी हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर है कि इबादतों की जिस तरह के रिजवाना बाजी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि हमें उनकी मोहब्बत, उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी अहमियत को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर हम ये दावा कर लें कि हम परहेजगार हैं, इबादतें करते हैं, तो ज़रूर यकीनन हमारे जहाँ पे खुदा खौफी है हमें इन चीज़ों का भी एहसास होगा कि हम क्या जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, क्या हम उनको उस तरह की रिस्पेक्ट, हम उस तरह की इज़्ज़त दे रहे हैं जिनके वो हकदार हैं, क्या हम उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। कुछ नहीं तो जो जिस तरह की अभी हमारी छोटी सी गुफ्तगू हुई कि जो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं क्या हम उसमें खामोश हैं क्या, या हम उनको गलत समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को समझना और जानना जो है उतना ही ज़रूरी है। रिजाना बाजी जितनी अजीम हस्तियाँ अहले बैत में आती हैं उनके ज़िक्र तो हमने और भी प्रोग्राम में किया है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा हम अगर कुछ बात कर लें तो ज़ाहिर है कि एक यादें ताज़ा हो जाएंगी उसके। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी हमारे प्रोग्राम भी माशाल्लाह अलग से भी हुए हैं। और ये ऐसी हस्तियाँ हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं रिजवान भाई जी कि जिनके बारे में हम जितना समझें और उनकी मैं तो समझती हूँ नाज़रीन के आप भी इतफ़ाक़ करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर अपने लिए उनको अगर रोल मॉडल बना लें तो यकीन जाने कि हमारी बहुत सी मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। हम अगर तकवा और परहेजगारी की बात करते हैं या हम सब्र की बात करते हैं
इल्म और दानाई की बात करते हैं हर मामलात में, जिसे कहें कि वो एक रहनुमाई भी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक जज्बात उभर जाते हैं कि हाँ दीन का अगर हमें झंडा लेके आगे बढ़ना है तो हमें किस तरह से बढ़ना है। जी शमामा, जब हम ज़िक्र करते हैं अहले बैत अतहार का, तो हम एक बड़ा मशहूर वाक़या जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है जी वो हमारी जहनों में आता है और हमारे कल्ब व जहन को रोशन और मनवर कर देता है। वो ये है कि नजरान के इलाके के जो ईसाई हैं जी वो एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग दीन की। और फिर जो है उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आओ हम मुबाहला करते हैं। मुबाहला बुनियादी तौर पर क्या होता है कि ख़ानदान के दो ग्रोह जो है अपने अपने ख़ानदान के अपने अहल को लेकर आते हैं जी और एक दूसरे के हक में ये कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो ये नजरान के यहूद जो ईसाई हैं उनका बड़ा मशहूर वाक़या है जिसके बारे में हम ज़रूर ज़िक्र करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खूबसूरत सी हदीस पाक है हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हम मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं रिजवाना भाजी, बिल्कुल जी। ये ऐसा मौजू है कि जितना भी सीखें जितना भी समझें कम है जी। नाज़रीन, आज हम जिस तरह से अहले बैत पे बात कर रहे हैं और बहुत कुछ मज़ा आ रहा है सीखने में समझने में, और जिसे कहें कि ईमान भी ताज़ा हो रहा है, और हमें जितना मतलब इसको समझना ही नहीं है, हमें उस पर गौर करना है, हमें उसको उस तरह की इज़्ज़त देना है, हमें उस तरह से उनको मानना है। यही हमारा आज का मौजू भी है और यही हमारा आज का मोटिवेशन भी है। आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में एक बार फिर आपकी मेज़बान शिवामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले जिस मौजू पे हम बात कर रहे थे वो अहले बैत के तारुफ़ और फ़ज़ाइल पे था। हमारा साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिजवाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। रिजवाना बाजी हमें बता रही थी कि अहले बैत के क्या फ़ज़ाइल हैं और हमें किस तरह से उनको याद करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए। जी रिजवाना बाजी जी, बहुत शुक्रिया शिवामा। अहले बैत अतहार की मोहब्बत और उनकी मुअद्दत जो है, जैसा कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। सही। और एक मुसलमान के ईमान की एक तरह से कसौटी भी है कि अगर आपके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मुअद्दत और अकीदत है तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आपके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मुअद्दत नहीं है तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। अब अहले बैत अतहार के हवाला से शमामा, बड़ी एक मशहूर वाक़या जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि नजरान के जो ईसाई हैं उनके हवाले से, और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हुम जलील कदर साहबी हैं, उनका बड़ा मशहूर रवायत है ये। वो कहते हैं कि जब कुरान पाक की ये आयत पाक नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नदउ अबना अबना अना अबना अकुम वनिसा अना वनिसा अकुम वअन्फुसना वअन्फुसकुम सुम्मा नबताहिल, तो वो फरमाते हैं कि इसमें जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है बुलाया, वो कहते हैं कि दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलीयन, अली को बुलाया, व फातिमा और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, व हसन व हुसैन और हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। और इसी तरफ इशारा करते हुए एक और रवायत जो है वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है। वो कहती हैं कि
अन आयशा व उमर बिन अबी सलमा कालत खारज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकले और इस तरह से निकले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊनी चादर जो है ऊन से बुनी हुई चादर ओढ़ रखी थी। बाज़ रवायात में आता है कि मुनक्कश ऊनी चादर जो ओढ़ रखी थी, यानी कि ऐसी ऊनी चादर के जिस पर कुछ पैटर्न्स बने हुए थे। अच्छा, जैसे होता है ना कि डिज़ाइन थोड़े से बना लेते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊनी चादर ओढ़ी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। तो फरमाते हैं कि फजा हसन, तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, तो वो तशरीफ लाए, तो फदा खलाहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को अपने साथ दाखिल कर लिया। कौन है जी? मैं कॉल भी एक ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नईमा बात कर रही हूँ। जी नईमा भाई, तो कैसी ये आपको हमारा मुहर्रम का महीना मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। तो आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बस अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, से दे, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो मैंने बताना था कि जोर से पहले चार रकात नफल पढ़े, पहली हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 15 बार सूरत इखलास पढ़े और हजरत इमाम हसन और हसैन को बख्श दें। जी जी, आप हमारे नाजरीन को एक बार फिर शमामा मेरे ख्याल में रिपीट कर दें नईमा बहन, कि आप कह रही हैं कि जोहर से पहले, जोहर की नमाज पढ़ने से पहले 4 रकत नफिल पढ़ें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही बता के गई हैं। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए हो। बहुत नाज़रीन आप भी फ़ोन कीजिए और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और शेयर कीजिए, आपके जहन में कुछ है, कोई सवाल है तो ज़रूर मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। जी रिजानबा जी, आप हमें बता रही थी। जी तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी उस चादर में साथ ही दाखिल कर लिया। सही। और उनके बाद हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी अपनी उसी चादर में दाखिल कर लिया। और फिर हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दाखिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी एक तरफ उसी चादर में दाखिल कर लिया। और फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी दूसरी तरफ से अपनी चादर में दाखिल कर लिया। और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह पाक, ये मेरे अहल हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आपके अजवाज मुतहरात शामिल हैं, क्योंकि खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनको आपके अहले बैत करार दिया। और हज़रत फातिमा तुज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल हैं। और फिर अल्लाह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत मुबारक तिलावत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुतहिराकुम तत्हीरा, के बेशक अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आपसे हर तरह की नापाकी को दूर कर दिया जाए और आपको अल्लाह ताला खूब पाक कर दें। तो अल्लाह ताला ने ये इसी वजह से हम इनको पंचतन पाक भी कहते हैं, कि ये जो 5 नफूस-ए-कुदसियां हैं, अल्लाह ताला ने इनको हर तरह के गुनाह से, नजासत से पाक फरमा दिया है। तो ये ख़ास मकाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का और आपकी इतरत का है और आपकी औलाद में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई भी बेटा हयात ना रहा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत फातिमा तुज़हरा और उनकी औलाद को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत करार दिया। सही, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और शमामा, वो जो है ना ईसाइयों का हम वाक़या पढ़ते हैं कि उस वक़्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए उस मबाहला के लिए, तो इस तरह से तशरीफ़ लेकर गए कि आपने एक
एक हाथ से हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की उंगली पकड़ी हुई, दूसरे हाथ से हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की उंगली पकड़ी हुई, और हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि आप मेरी चादर पकड़ लीजिए। तो हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक पकड़ ली, और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आप हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की चादर पकड़ लीजिए, और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाला के लिए तशरीफ़ ले गए। तो क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो क्या मंज़र होगा और वो क्या जलाल होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नफूस कुदसिया के साथ जब गए तो इनके चेहरों की तरफ ही देखकर उन्होंने कहा कि ये वो मुबारक हस्तियां हैं कि जिनकी कोई दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। क्या बात है, अल्लाह तो बेहतर यह है कि आप इस मुबाला से पीछे हट जाएं। सुभान अल्लाह। रिजवान भाई जी कॉल भी लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। खुशामदीद। मैं बाटन अंटन से मिसेस खान बोल रही हूं। मैं मेरा ये सवाल है कि जेडे हजरत ज़ैनब से इमाम हसन और हुसैन की सिस्टर, उनका क्या हुआ था कर्बला के सब कुछ जाने के बाद? जी जरूर, हम इस बारे में बात करेंगे, बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी सुहान बाजी, तो आप बता रही थी वाकया कि उनका इतना वो जलाल था और इतनी हैबत थी और इनके चेहरों पर इतना नूर था कि उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने आज हमारे हक में बद्दुआ करती तो क़यामत तक इस रूए ज़मीन पर हमारे मज़हब का कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकेगा। तो उन्होंने उसी वक्त जो है स्टेप बैक कर लिया कि हम इनका मुकाबला जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि अहले बैत की नाराज़गी से जो है वो बचना चाहिए और उनका इज़्ज़त और एहतराम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शमामा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहिबुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही, कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो क्योंकि उसने तुम्हें ये सब नेमतें अता की हैं। यानी कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, और अल्लाह से अगर मोहब्बत चाहते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, और अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहते हो तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करो। ये बिल्कुल इसी तरह से शमामा के जब मैं तालिबे इल्म थी तो मेरे शेख मेरे उस्ताद जो हैं वो उन्होंने मुझे नसीहत की कि रिजवाना अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी सुन्नतें कभी ना छूटें तो अपने नफलों की हिफाजत करो, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे वाजिबात और फ़र्ज कभी ना छूटें तो अपनी सुन्नतों पर कायम रहो। तो यानी आपको बड़ी मोहब्बत से पहले मोहब्बत के भी दर्जात होते हैं और मकामात के भी दर्जात होते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत हम हमारे दिल जो है उस मोहब्बत से रोशन हो जाएं तो हमें चाहिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत किया करें। और अगर नाज़रीन हम ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मोहब्बत, अल्लाह ताला का तकवा नसीब हो जाए तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, और यही कामिल दीन का शमामा रास्ता है जिस पर हमें चलना चाहिए। अच्छा रिजवान भाई जी, अगर हम इस पर गौर करें तो कितना खूबसूरत सा नाज़रीन एक कनेक्शन है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो अहले बैत की। इतना खूबसूरत, और आपने ये भी बड़ी प्यारी मिसाल दी कि अगर सुन्नत को मजबूत है तो नफिल पढ़ी जाए, और नफिल फ़र्ज़ को करना है तो सुन्नत। तो ये एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया गया है कि उसमें अगर कोई कमी कोताही हो तो ज़ाहिर है कि बड़ा नुकसान हो सकता है। शमामा, अहले बैत की मोहब्बत जो है वो इतनी नाज़रीन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इतना ज़रूरी है शमामा हमारे दीन की सलामती के लिए कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को सफीना नूह से तमसील किया है। यानी कि जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो
कौम है उसको अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सफीना आपकी जो कश्ती थी उसके जरिए से महफूज किया, इसी तरह से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजात का सफीना है वो अहले बैत अतहार हैं। तो अगर हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाएं तो हमारा दीन और हमारा ईमान सलामत है। अगर हम इस कश्ती को छोड़ दें तो फिर हमारे ईमान का अल्लाह ही हाफिज है। और इस बात के नाजरीन हमें आजकल के हालात की तरफ जब हम नज़र करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। यकीनन आज का जो शमामा दौर है, आज के हालात हैं, ये बड़ा फितने का दौर है। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि दीन के मामले में इतनी कन्फ्यूजन फैलाते हैं और फिर दुनिया जो है वो इतनी जाज़बे नज़र हो चुके, इतनी अट्रैक्शन हो गई है कि इस दुनिया से इंसान और अपने नफ्स से बच बचा के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें ये आसान नहीं रह गया है। और इस मुश्किल हालात में कि जब हमारे ईमान का सफीना जो है वो डावाडोल है, हम परेशान हैं, सही सोचते हैं कि कहाँ जंगलों बयाबानों में निकल जाएं, बेशक कि हमारा ईमान जो है वो दुनियादारी और शैतान के असरात से बच सके, इन्फ्लुएंस जो है जी जी। उससे हम बच जाएं, तो इंसान सोचता है कि कहाँ चले जाएं, कहाँ निकल जाएं, सही। तो उसके लिए जंगलों और बियाबानों में और सहराओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सफीना एक ऐसी कश्ती में सवार हो जाएं कि जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती है, तो इंशाल्लाह इस कश्ती को अल्लाह ताला पार लगा देंगे। और रिजवान जी, बड़ी आपने ये बात दुरुस्त की है कि आजकल का दौर बहुत मुश्किल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उसमें जो है हम बड़े आसानी से किसी भी मामले को गैर मामूली कह देते हैं। हम एक कॉल भी लेते हैं साथ ही हमारे साथ नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई जी, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो रिजान भाजी, बड़ी आसानी से जो है हम चॉइसेस बना लेते हैं कि हम जो है इसको करेंगे या नहीं करेंगे, यहीं से तो मामलात ख़राब हो गए कि हम अपने जिस तरह आपने रिजान भाजी बताया है कि हम दुनियावी मामलात की उलझनों में भी फंसे हुए हैं, दूसरा हम अगर ईमान के और दीन और अपने मज़हब के मामलात में भी चॉइसेस कर देते हैं तो हमारे पास बचता क्या है जी, मुश्किल हो जाती है शमामा। इसी वजह से हमें ये तालीम दी गई है दीन के मामले में हमें मुतशाबेहात को छोड़ देना चाहिए, यानी ऐसी चीज़ें जो हमें शक व शुबा में डाल दें, कन्फ्यूजन का शिकार करें, हमें उनसे अपने आप को अलहदा रखना चाहिए और दीन के जो सीधे सीधे मामलात हैं उनको हमें मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। नाज़रीन, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना तारिकुम फीकुम सकलैन, के ऐ लोगो मैं तुम्हारे दरमियान में दो बड़ी ही खूबसूरत और रोशन चीज़ें जो हैं वो छोड़े जा रहा हूँ। सही। और फरमाया कि उनमें से एक जो है किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत है और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। सुभानअल्लाह। कि इन दो के रास्ते पर चलो, इन दो से रहनुमाई हासिल करो तो तुम जो है रास्ता नहीं भूल सकोगे। तो इस वजह से हम लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए कि जहाँ पर हम किताबुल्लाह से हदायत लें, कुरान पाक को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें, वहीं पर हम आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझते हुए उस पर अमल पैरा हूँ और आपके अहले बैत का जो रास्ता है शमामा जी, उस रास्ते पर हम चलें और उनकी मोहब्बत को ईमान के एक हिस्से की तरह से लाजिम पकड़ लें। बेशक बेशक। तो रिजवान भाई, एक कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम तला बरकातहू। जी खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप हम कुछ दिन पहले फोन किया था, मेरा हस्बैंड गुजर गया
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप दोनों बहन ने मेरा दिया और मेरा परिवार को लिए दुआ करना मुहर्रम मास में अल्लाह है हमारे ऊपर ईज करे और काइंड काइंड हो जाए हमारे ऊपर। यही हम दुआ आपका दुआ चाहती है। जी जी जरूर, जी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस के आला मकामात में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके लिए आखिरत की मंजिलें आसान करे। पिछले प्रोग्राम में तकरीबन 2 हफ्ते पहले इन्होंने फोन किया था कि इनके हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा बीमार थे। जी, तो अल्लाह पाक इनको सब्र दे, इनको हौसला दे, आमीन, और उनको अल्लाह ताला के दर्जात के लिए आसानी पैदा करे। यकीनन आखिरत का रास्ता शमामा बहुत मुश्किल रास्ता है बेशक, और जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी जरा मुश्किल हो जाता है सब्र करना। जी जी, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां फरमाए। जी जी आमीन। शमामा, अहले बैत अतहार का हम जब जिक्र करते हैं तो अभी तक तो हमने ये देखा कि अहले बैत अतहार का कितना बड़ा मकाम है, कितना मर्तबा है, और दीनी तौर पर किस कदर ये ज़रूरी है कि हम उनकी मोहब्बत को अपने ऊपर लाजिम कर पकड़ें। वहीं पर नाज़रीन एक और चीज़ जो हमारे ज़हनों में आती है, और यकीनन आजकल का बहुत बड़ा मसला शमामा ये बन चुका है। आपने भी देखा होगा कि लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि शायद अहले बैत की मोहब्बत से मुराद यहाँ पर सिर्फ यही है कि हम ये जो नफूसे कुदसियाँ हैं यानी कि अज़वाज मुतहरात हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहु और आपके 2 साहिबजादे, इनसे मोहब्बत लाजिम पकड़े और बस यही अहले बैत की मोहब्बत से मुराद है। जबकि हमारे उलामा ये हमें तालीम देते हैं कि यहाँ तक कि आज भी जो सादात लोग हैं और जो अहले बैत के अफराद हैं उनकी मोहब्बत को लाजिम पकड़ना आज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बेशक, और आज भी इसी तरह से हमारी निजात और बख्शिश का सबब बनेगा है। बिल्कुल सही बात है रिजवाना बाजी। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, आज जो हम जिस तरह से आप भी हमारे प्रोग्राम में यकीनन शामिल हैं, फोन भी कर रहे हैं और अपना पार्टिसिपेट भी कर, हम अहले बैत पे बात कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं, हम बता सुन रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आ गई, मैं एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तारुफ़ फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और हमारे साथ स्टूडियो में रिजवाना बाजी हमें बता रही हैं। जी रिजवाना बाजी, आप हमें बता रही थी कि हमें अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए, हमें बताइए कि मोहब्बत का क्या तकाज़ा है। जी शमामा, इसमें ये चीज़ मैं तकाजे की तरफ जाने से पहले समझती हूँ कि हम सब के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बात समझना ज़रूरी है कि यकीनन ये तो सबको मालूम है कि अज़वाज मुतहरात अहले बैत में शामिल हैं, सही, और फिर हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये शामिल हैं। इस बारे में तो किसी का कोई शक व शुबा नहीं है, सही, और सबको ये भी मालूम है कि इन कुदसी जिंदगियों से मोहब्बतों का तकाजा क्या है, सही। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अहले बैत अतहार से मोहब्बत के जो तकाजे हैं क्या वो ख़त्म हो जाते हैं या उसके बाद भी कुछ रहता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हमें, हमारे लिए आज की जो जनरेशन है हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक अज़वाज मुतहरात के अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत के तकाजा का सवाल है, तो हम समझते हैं
कि उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, सही, बहुत उनका इज्जत और एहतराम करना चाहिए और हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा पाकीज़ा हस्तियां हैं जिन्होंने अज़वाजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की हैसियत से अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीक़ा से अदा किया। उनसे जो रवायात मरवी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो अपने इखलाक और अपने किरदार के बेहतरीन नमूने हैं और एक औरत होने की हैसियत से हम सब के लिए उनकी ज़िंदगियों में बहुत से नमूने हैं और हमें अपनी हदायत के लिए उनकी ज़िंदगियों का मतालिया करना चाहिए। इसी तरह से हज़रत फ़ातिमा तुज़ाहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा तुज़ाहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं, सही, और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बहुत अजीम और बुलंद मकाम अता किया है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की हयात तैयबा दुनियावी तौर पर शमामत तमाम बनी हुए इंसानियत के लिए और ख़ास तौर पर हम ख़वातीन के लिए मिशल राह है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा तकदीस का, शर्मो हया का, इल्मो हदायत का, तकवा और परहेजगारी का, इबादत गुजारी का बेहतरीन नमूना है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी के जिस पहलू को भी देख लें हमें पता चलता है कि कोई उस मकाम तक और कोई भी नहीं पहुंच नहीं सकता पहुंच सकता। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पे जाते तो सबसे मिलने के बाद आखिर में आपको खुदा हाफिज कहते और जब वापस आते तो सबसे पहले आपके घर में तशरीफ ले जाते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इससे अंदाजा होता है कि किस कदर मोहब्बत थी। जी रिजवान बाजी, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका सब सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं बात करना चाहती थी कि आप मुहर्रम की इबादत के मुतालिक बताएं, कोई तस्बीह करने के लिए है, कोई कुछ नफर की इबादत के मुतालिक। और दूसरे मैं कह रही हूँ कि आप शुमामा, आप और रुखसाना बहन बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं। एक रुखसाना बहन को दरख्वास्त है कि जब भी वो बात करें तो आपका नाम लेती हैं, शुमामा शुमामा, तो आप मेहरबानी करके नाजरीन कह दिया करें शुमामा की बजाय। शुमामा तो आपके पास बैठी हुई है ना। सही। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन के जो फीडबैक्स होते हैं वो ज़रूर हेल्पफुल होते हैं। जी यकीनन, बहुत जी बहुत अच्छा फीडबैक है और हम नाजरीन बोलेंगे। जी बिल्कुल जी। आप हमारे साथ ही हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इससे बहुत ही हमें हौसला बढ़ता है, बहुत शुक्रिया। जी रिजवाना बाजी। जी हम लोग बात कर रहे थे हज़रत फ़ातिमा तुज़ाहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। तो हज़रत फ़ातिमा तुज़ाहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि बहुत शफ़क़त और मोहब्बत फरमाई बल्कि आपका बहुत ज्यादा एहतराम भी फरमाया। सही। रिजवान बाजी, एक कॉल भी ले लेते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तहरा बरकात। वालेकुम सलाम, खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। जी मैंने आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छी जो है वो हम लोग को गाइडेंस दे रहे हैं इसके बारे में, मुतारात और जो भी अहले बैत है उनके टॉपिक के बारे में। तो एक तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे जितने भी चैनल है ना, माशाल्लाह मैं इस्लाम चैनल को बड़े रेगुलरली देखती हूँ, लेकिन यही कि एक तो रिक्वेस्ट करनी थी कि जो अज़वाजे मुतहरात है उनकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर मेजोरिटी लोगों को अभी तक अपनी जितनी भी नबी पाक सल्लम के अज़वाजे मुतहरात है उनके नेम्स भी नहीं पता होंगे मेरा ख्याल है सबको। तो मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उनके सीरत के बारे में और उनके करेक्टर के बारे में हमें प्रोग्राम करना चाहिए ताकि ज्यादा ज्यादा अवेयरनेस आ सके। और सबसे बढ़ के मतलब एक चीज मैं कहूंगी कि जैसे हम लोगों को ना फिरका वारियत से निकल के न्यूट्रल होके इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए, ये जो वाक्य है करबला के बारे में। जी जी
बिल्कुल आपने सही कहा है सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई आप जी। इनके भी बहुत अच्छी ओपिनियन है और यकीनन बहन हम इंशाल्लाह अज़वाज मुतहरात के हवाले से प्रोग्राम हम लेकर आएंगे जी, ताकि हम उनकी जिंदगियों के बारे में मजीद जान सकें। ज़ाहिरी बात है कि वो बहुत मीनारे नूर हैं हमारे लिए और उनके जिंदगियों के बारे में हमें जितना जाने उसी तरह हम ज़ाहिर है कि हमारे लिए रहनुमाई का बाइस बन सकती जी बिल्कुल। और जहाँ तक वाकया करबला का नाजरीन ताल्लुक है और मुहर्रम के हवाला से जो भी मामलात हुए, अहले बैत का ताल्लुक है, ये किसी इसका ताल्लुक किसी फ़िरका से नहीं है, इसका ताल्लुक इस्लाम से है, इसका ताल्लुक इस्लाम के पैगाम को बचाने और आगे बढ़ाने से है। और यकीनन इसी तरफ हम तवज्जो देते रहते हैं और हम मजीद भी देते रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह लेकर आते रहेंगे। हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाला से जितना कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम है, जो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी, आपकी तालीमात, आपके अकवाल हमारे लिए हदायत और रहनुमाई का बाइस हैं, इससे हम सब आगाह हैं और हम इस पर बात भी करते रहते हैं इंशाल्लाह। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शमामा, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी बहुत बुलंद और आला मकाम है और दीन के हवाला से जो आपकी खिदमात हैं सुबहान अल्लाह इतनी ज्यादा हैं कि उनको अगर हम कहें कि हम गुफ्तगु में बंद कर सकें या ज़ब्ते तहरीर में ला सकें तो वो यकीनन मुमकिन नहीं है। इसी तरह से हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जो है वो भी बहुत बुलंद है और यकीनन हमारे सब नाज़रीन समझते हैं और उस पर एहतियात भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के बारे में इल्म हासिल करें और अमल भी करें और उनसे मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखें। ये तो वो हस्तियां हैं शमामा कि जिनसे मोहब्बत सिर्फ मुसलमान नहीं करते जी, वो लोग कि जो मुसलमान नहीं हैं जी वो भी इनसे बहुत मोहब्बत करते सही हैं बेशक और इनका अकीदत रखते हैं और इनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश बिल्कुल करते ये जो रहते हैं। ऐसे रोल मॉडल हैं, मतलब एक दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे रोल मॉडल, जैसे आप दानाई की बात कर लें, इल्म की बात कर लें, एक इंसानियत की बात कर लें, तो वाकई ये तो रोल मॉडल है और सबके लिए है, सबके लिए है बेशक, सारी बनी नुए इंसान के लिए है। तो ये तो अहले बैत के बारे में नाज़रीन, इनके बारे में तो कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अहले बैत का हक और अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का एहतराम और उनकी खिदमत करना वहीं पर ख़त्म हो जाता है या उसके बाद भी कुछ है? तो यकीनन उसके बाद भी कुछ है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से, जैसे हम कहते हैं कि हसनी सैयद हैं या हुसैनी सैयद हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा हक है। और शमामा उनके यहाँ पर अब दो तरफा बात रह जाती है जी, वो लोग जो सादात हैं जी उनको भी अपने मकाम को समझना है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है सही कि हम कहें कि आपको अपने मकाम को समझना है, आप तो समझे हुए हैं। यह है कि इस बात का हमेशा अदराक रखना जी कि आप किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आज भी हम अपने नाज़रीन औलाद को या इवन के अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं तो हम कहते हैं कि पहचानो कि तुम कौन हो, तुम किस खानदान से हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारे अबाओजदाद कौन है और उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में बेशक है। तो इसी तरह से वो लोग जो सादात हैं, जो आले नबी से हैं, उनको भी उस घराने की इज्जत का और उस मकाम का ख्याल करना है। और शमामा इसमें एक बहुत बड़ा मसला आज का आ गया हुआ है जिस पे बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं कि एक तो अहले बैत हैं और कुछ लोग ऐसे खुद को कह देते हैं कि हम अहले बैत हैं, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहुत बड़ी एक तरह से तोहमत है। इस बात से हम लोगों को परहेज करना चाहिए कि अगर सैयद नहीं है, अगर अहले बैत में से नहीं है तो नहीं बोलें।
अल्लाह ताला ने तकवा, परहेजगारी, इज्जत, एहतराम, जन्नत और कुर्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले बैत के लिए भी रखा है। हम जानते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अहले बैत में से तो नहीं थे जी, लेकिन उनका मकाम सही बात रिजवान बाजी, यही सबसे बड़ी बात। आप अगर सोच ले कि हम उनकी उम्मती में से हैं जी, हम उनकी, ये कितनी खुशकिस्मती है हमारी। तो ये बात आपकी बिल्कुल है, सही है कि बिल्कुल जिसे कहें कि आप टेम्परेरली बिल्कुल जो है आप इज्जत लेना चाह रहे हैं, शोहरत लेना चाह रहे हैं और उसमें इतनी गलत बयानी से काम लें तो ये बहुत ही ज्यादती है। अच्छा रिजवान बाजी, एक सवाल मुझे याद आया कि प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने वाला है, मुहर्रम की इबादतों के हिसाब से किसी ने सवाल किया था, वो भी हमें जी। मुहर्रम की इबादत के हवाला से नाज़रीन, सबसे अहम इबादत तो रोज़ा है जी, आशूरा के दिन का रोज़ा, दसवीं मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। और उसमें यह है कि हम या उससे पहले एक रोज़ा रख लें जी, या उससे बाद में नवीं और दसवीं या दसवीं ग्यारहवीं जी, दो रोज़े मिला कर रख लें, ये बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हराम है या इस तरह से, लेकिन बेहतर रिकमेंड ये किया गया कि दो रोज़े रख लें। इसी तरह से इबादत से भी बहुत ज़्यादा अहम नाजरीन जो मुहर्रम के हवाला से हमारा ईमान तकाजा करता है वो एहतराम है। मुहर्रम का महीना इस्लाम से पहले भी मुकद्दस और मोहतरम महीना शुमार किया जाता था, और लेकिन इस्लाम का पैगाम आने के बाद और ख़ास तौर पर वाकई करबला हो जाने के बाद जो है इस महीने का अदब और एहतराम हम सब पर लाजिम है। आप देखिए कि वो दिन, वो साल, वो महीना शमामा कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल और मुसीबत का वक्त आया हो हमें हमेशा याद रहता है सही, और जो है दिल दुखी हो जाता है। तो मुहर्रम का महीना ख़ास तौर पर नौवीं दसवीं मुहर्रम जो है जी, ये वो दिन है कि जिस पर दिनों में खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ी मुश्किल आई थी, इतनी बड़ी मुश्किल कि जिसका तसव्वुर करना मुश्किल है। हम लोग कल कुछ मेहमान आए और उन्होंने जिक्र किया कि उनके किसी जानने वाले का 21 साल का बेटा जो है अचानक पता चला कि उसको लीवर कैंसर हुआ और वो बच्चे का इंतकाल हो गया। 21 साल का नौजवान लड़का सही, जो अभी यूनिवर्सिटी में था, सारी जिंदगी पड़ी हुई थी। तो हम बता रहे थे कि वो बच्चे के माँ बाप जैसे जीते जी मर गए। तो मैं जब ये सुन रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि वो भी तो माँ बाप होंगे ना सही। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मे बनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा, चार बेटे शमामा जी जी, नाजरीन चार बेटे, सेहतमंद जवान बेटे शहीद कर देना अपनी आंखों के सामने, तैयार करके भेजने हैं, पता है कि इस मैदान में जाएंगे वापस नहीं आएंगे। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला ना अपने दो बेटों को भेज रही हैं, अपने भतीजों को भेज रही हैं, अपने बेटों को भेजे हैं। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ना अपने बेटों को भेजा है, अपने भांजों को भेजा है, अपने भाइयों को भेजा है, अपने भतीजों को भेजा है जी जी। कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी बड़ी, आप ये देखिए कि अल्लाह की राह में जो निकले हैं वो, और उन्हें आप जिस तरह के बता रही हैं कि अंदाजा भी है कि कुछ चंद घंटों के दरमियान में जी जी, और फिर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए चले जाते हैं। क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हजरत इमाम हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला ना और आपके साथ जो खवातीन होंगी और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके ऊपर ये घड़ियां, ये घंटे, ये दिन कैसे गुजर रहे होंगे। रवायात में आता है कि वाकया करबला के गुजर जाने के बाद जी अहले बैत के घरों में से सादात जो लोग थे घरों में से, मुहर्रम शुरू होता था तो उनके घरों से रोने की आवाजें आती थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाज़रीन रवायात में आता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी ठंडा पानी नहीं पिया था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जब भी मेरे सामने पानी लाया जाता है मुझे
करबला के प्यासों की प्यास याद आ जाती है कि उन्होंने किस तरह से गुजारा। तो सबसे अहम नाजरीन बात जो मुहर्रम के हवाले से वो ये है कि इन दिनों का एहतराम करें, एहतराम करें, एहतराम करें। दूसरी ये बात आ जाती है रोज़ा रखें। तीसरी बात ये आ जाती है कि इबादात में कसरत करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करके उनके लिए दुआ करें, नवाफिल पढ़ें, जिक्र अजकार करें। और शमामा एक और चीज़ जो भूल जाते हैं वो ये है कि इस पूरा वाकया, इस पूरी कुर्बानी का इल्म हासिल करें। हमारे इसकी फिलॉसफी क्या है जी, हमारे मुसलमान दुनिया भर में मुसलमान नाजरीन यकीनन इबादत भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं। हमारे यहाँ इबादत की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इल्म की कमी होती जा रही है, समझ बूझ की कमी होती जा रही है, अमल की भी उसी हिसाब से, अमल की भी उसी तरह से कमी होती जा रही है। हम सोचते हैं कि ये मुहर्रम के जो चंद दिन हैं इसमें तो हम मुसलमान बन जाते हैं, हम इबादत में कसरत कर देते हैं, रोज़ा रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत और एहतराम भी जाग जाता है, लेकिन ना इससे पहले याद होता है ना उसे बाद में याद रहता है। तो ये जो सीजनल मुसलमान होने का मामला है ना नाज़रीन, इससे हमें बचना है और हमें इस बात की तरफ देखना है कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर मुसलमान बना सकते हैं, हम किस तरह से मोहब्बत अहले बैत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी के शमामा हर लम्हे का हिस्सा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाज़रीन हमने आज के प्रोग्राम में ये सीखा है कि अहले बैत की मोहब्बत जो है ये हमें जन्नत की तरफ लेके जाएगी। अहले बैत की मोहब्बत जो है और अकीदत और उनकी मुअद्दत जो है ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत और मुअद्दत जो है ये सफीना नूह की तरह से है। सुभान अल्लाह। जिस तरह से सफीना नूह ने कौम नूह को नाजरीन डूबने से बचा लिया, इसी तरह से मोहब्बत अहले बैत अतहार और उनकी जिंदगियों का सबक हासिल करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जो है हमारी ज़िंदगी के सफ़ीनों को भी राह रास्त पर ला सकती है। और मोहब्बत अहले बैत जो है आज भी जो सादात जिंदा हैं जी उनकी मोहब्बत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। बेशक बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के आज के हमारी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा और अपने ईमान को ताज़ा किया होगा। अभी रिज़वाना बाजी ने बड़ी प्यारी बात बताई है कि ये वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए, ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि आज 8 मुहर्रम है कि 9 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम के बाद जो है हम वापस अपनी रूटीन में चले जाएँ। नहीं, हमें इसको अपने जीने का तरीका बनाना है, हमने इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर देना है ताकि हम अपने ईमान को मुकम्मल तरीके से उस मकाम तक लेकर जा सकें जिसका हक है। और जिस तरह का अहले बैत का हक रिज़वाना बाजी ने बात की, हमने उसको इंशाल्लाह अपने जिसे कहें कि दिल में जो है ना वो अच्छी तरह से बसा लेना है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है कि हमें उसमें बेहतरीन अमल कर सकें। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा